हाय माई सेल्फ मंसूर अहमद, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ER मंसूर अहमद। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि 7√5 को हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। हम क्या करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट मानते हैं कि माना 7√5 परिमेय संख्या है। ये हो गया, जब कोई परिमेय संख्या हो हमें पता है उसको हम क्या करते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। ये हो गया पी बटे क्यू के रूप में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू इज नॉट इक्वल होगा जीरो के। सेवन क्या है, इसके पास मल्टीपल में है, ये जाएगा पी बाई क्यू और ये सेवन आ गया। अब हम कह सकते हैं कि सेवन पी और क्यू पूर्णांक है, इसलिए P अपॉन 7 क्यू परिमेय संख्या होगी। जब P अपॉन 7 क्यू परिमेय, तो इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जब √5 परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या कह सकते हैं, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होगा। क्या होगा, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होगा। क्योंकि √5 अपरिमेय संख्या है। जब √5 अपरिमेय संख्या है तो पी अपॉन 7 क्यू भी अपरिमेय होगी। इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है अब कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर है। अब यहीं पे सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं दूसरा इसी का पार्ट, वो क्या है अब हम देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, इसका यहीं पे ही करते हैं, ज्यादा मिटाने की जरूरत भी नहीं पड़े। क्या है, उसने दिया है मान लेंगे 6+√2 परिमेय संख्या है। इसको भी सिद्ध करना है कि अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हमने मान लिया इसको यहीं पे ही सीधा सीधा कि ये परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, यहीं पे 6+√2 को मान लेंगे कि पी बटा क्यू के रूप में है, तो q इज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। सिक्स इसके प्लस में तो इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पे सिक्स ये रहा सिक्स और सिक्स p और q पूर्णांक है, इसलिए p अपॉन q माइनस सिक्स भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय तो ये परिमेय होनी चाहिए फिर, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है क्या, कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए p अपॉन q माइनस सिक्स भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला कि 6+√2 अपरिमेय संख्या है। यह 1 पॉइंट के लिए आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई। थैंक यू।